गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, मैंने आपको पोयम लिखने को और उसकी न्यूवर्स है वो आपको इंग्लिश की नोटबुक में लिखने को कहे थे, आपने लिखे है ना? ओके, तो हम स्टैंडर्ड फोर्थ की फर्स्ट पोयम वेकअप, उसके आज क्वेश्चन आंसर सीखेंगे। तो रेडी हो सब? ओके, तो लेट अस स्टार्ट एंड ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 4। ओके, लेट स्टार्ट। तो चलो, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक बर्ड्स से टू ईच अदर इन द मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में बर्ड्स, व्हाट डू यू थिंक बर्ड्स से टू ईच अदर इन द मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में बर्ड्स क्या बोलते हैं? तो उसका आंसर है, आई थिंक बर्ड्स से गुड मॉर्निंग टू ईच अदर इन द मॉर्निंग। ईच अदर मतलब एक दूसरे को, कि वो मॉर्निंग में एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, हु आर ऑलरेडी अवेक। ऑलरेडी मतलब पहले से कौन जागा हुआ है। तो उसमें है कि बर्ड्स, फिर शीप्स, काउ, हॉर्सेस आर ऑलरेडी अवेक। तो वो सारे क्रीचर्स है, क्रीचर्स का मतलब होता है जानवर, वो ऑलरेडी सब उठे हुए हैं, राइट। क्वेश्चन 3, विच क्रीचर्स वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डज। तो चाइल्ड मतलब बच्चा, तो कौन से ऐसे क्रीचर्स है जो बच्चे के पहले ही उठ गए हैं। क्रीचर्स मतलब जानवर, तो कौन कौन से जानवर थे? तो बर्ड्स, बीज, काउ, हॉर्सेस, डक्स एंड द शीप एंड चिकन। तो बर्ड्स, फिर बीज, फिर काउ। बीज मतलब मधुमक्खियाँ। तो काउ, हॉर्सेस, डक्स, वो सब ऑलरेडी पहले से ही उठ गए थे। जब बच्चा उठ गया था उसके पहले ही वो लोग उठ गए थे, राइट। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। लिसन टू द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स, से द वर्ड्स बॉय एंड बी। लिसन टू द बी साउंड इन। तो इसमें नीचे जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं उसमें बी साउंड से, वो बी साउंड से वो वर्ड्स शुरू होते हैं। तो चलो हम रीड करते हैं, बीग, बबल्स, बीन, बैग, ब्लू, ब्लो एंड ब्लैक। ओके, तो हो गया। आगे देखते हैं, गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, लिसन टू द साउंड्स यू हियर लाइक द rustling of leaves, the wind blowing, the chirping of birds, the sounds of footstep। तो उसका मतलब है कि आप कभी मॉर्निंग वॉक पे गए हो ना, जब आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हो तब आपको कौन कौन सी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो आप जब उसमें वो पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो हिलते हैं, फिर हवा चलती है, फिर बर्ड्स की चिरपिंग की आवाज़, चिप 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 करके बर्ड्स चिरपिंग करते हैं, और साउंड्स ऑफ फूट स्टेप्स, उसका मतलब है आप पैरों की आवाज़ है ना। तो आप मॉर्निंग वॉक पे चलते हो तब आप ये सब सुनते हो ना, राइट। ओके बच्चों, आगे देखते हैं, से अलाउड, उसमें है बैटी बॉट अ बीट ऑफ बटर, बट द बीट ऑफ बटर दैट बैटी बॉस was bitter, so Betty bought some better butter to make the bitter butter better। ये एक poem थी, right, जो हमने read की। okay, अब आते हैं next page पर, page number 5, let's write। ये page में आपको students textbook के अंदर ही आपको लिखना है, ये है grammar का topic है। ये ग्रामर के कौन सा टॉपिक है कौन बताएगा मुझे? मैंने आपको सिखाया है थर्ड स्टैंडर्ड में। ओके, आपको याद है, किसको याद है?
मैंने आपको थर्ड स्टैंडर्ड में ये कंजक्शन वाला टॉपिक है तो मैंने आपको नोटबुक में लिखवाया भी है और मैंने आपको सिखाया है, तो वो कंजक्शन को ऐड करके ये सेंटेंस बनाने के है, राइट। तो चलो शुरू करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। कनेक्ट द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बिलो यूजिंग एंड और बट। तो उसमें फर्स्ट वाला सेंटेंस है कि इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल, आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। तो इसमें सेंटेंस का मतलब क्या है कि स्कूल जाने का टाइम हो गया है, आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, मुझे ज़्यादा थोड़ा सोना है। तो चलो कौन बताएगा इसमें कौन सा कंजक्शन आएगा? एंड के बट, एंड का मतलब है और, एंड बट का मतलब है लेकिन। बोलो। ओके, तो इसमें आएगा बट, कि इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल बट आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, कि मेरे स्कूल जाने का टाइम हो गया है लेकिन मुझे थोड़ा ज़्यादा सोना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। शैला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे, शी गॉट सम न्यू क्लोथिस टू। के उसमें क्या आएगा, एंड आएगा कि बट आएगा? कि शैला ने अपने बर्थडे के लिए चॉकलेट्स लाई और शी गॉट सम न्यू क्लोथिस टू, और वो नए कपड़े भी लाई। तो उसमें एड और होता है और, तो और का मतलब क्या होता है? एंड, राइट। तो आपको उसमें लिखना है कि शैला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे एंड शी गॉट सम न्यू क्लोथ्स टू। थर्ड, एवरीवन हैज गॉन टू स्लीप, आई वॉन्ट टू रीड माई बुक। के सब सो गए थे, गॉन टू स्लीप मतलब सब सो गए थे। आई वॉन्ट टू रीड माई बुक, मैं मेरी बुक रीड कर रही थी। रीड मतलब पढ़ना, तो उसमें क्या आएगा? बट, तो के एवरी वन हैज़ गॉन टू स्लीप बट आई वॉन्ट टू रीड माई बुक, सब सो गए थे लेकिन मैं मेरी बुक पढ़ रही थी। आगे, राजू प्लेज क्रिकेट, ही ऑल्सो प्लेज हॉकी। तो उसमें एंड आएगा कि बट आएगा? राइट, उसमें आएगा एंड। तो राजू क्रिकेट खेल रहा है और ही प्लेज हॉकी भी खेल रहा है। आपको पता है ना, वेरी गुड, आप लोगों ने सब, आपको पता है, राइट, वेरी गुड, कि आपको कंजक्शन याद है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल गिवन बिलो। तो उसमें इसमें है कि एडजेक्टिव कंपैरिजन डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को स्टैंडर्ड थर्ड में ये डिग्री सब सिखाई थी, याद है ना? वेरी गुड। ओके, तो चलो फिर से उसका रिपीटेशन करते हैं और आपको ये बुक में लिखना है। तो उसका एक एग्जांपल आपको दिया गया है, कौन सा एग्जांपल है? तो टाइनी, टाइनियर, टाइनीएस्ट। तो वैसे आपको जो लाइन दी गई है वो लाइन में आपको जो नहीं लिखा है वो आपको लिखना है। तो क्या लिखोगे सेकेंड में? बिग, सेकेंड लाइन में क्या आएगा? यस, बिगर और बिगेस्ट। ओके, थर्ड, स्लीप, स्लीपियर, स्लीपेस्ट, SLEEPEST, स्लीपेस्ट। आगे, आगे क्या आएगा? लवलियर और लवलीएस्ट, वो लिखा है। तो फर्स्ट ब्लैंक्स में लवली है ना, LOVELY, लवली। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या आएगा? लेट, लेटर, लेटेस्ट। ओके, नीचे राउंड, राउंडर, राउंडेस्ट। ऐसे ही स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। अब सबसे लास्ट गुड, गुड का क्या आएगा? बेटर, यू नो
गुड़ का आएगा बैटर, BETER, बैटर, गुड़ बैटर बेस्ट। ओके, तो ये हो गया हमारा डिग्री फॉर्म। स्टूडेंट्स आपको पता चला, तो ये आपको जो पूरी एक्सरसाइज है वो आपको अपनी इंग्लिश की नोटबुक में इसके क्वेश्चन आंसर और उसका मैंने जो आपको ग्रामर का जो टॉपिक सिखाया है एंड और बट वाले जो सेंटेंस है कंजक्शन के वो आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है और वही का वही रिपीटेशन आपको नोटबुक में लिखना है इंग्लिश की नोटबुक में, राइट। और उसकी जो पेज नंबर 5 की एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, पेज नंबर 5 की एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 वो आपको अपनी इंग्लिश की नोटबुक में लिखने की है और उसकी प्रैक्टिस करनी है, राइट बच्चों। तो आपको समझ में आया होगा, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड टेक केयर। सो बच्चों आगे के चैप्टर में फिर से मिलेंगे, बाय।